मैंने लिखा 7x प्लस 3y, 7x प्लस 3y इज इक्वल, 7x प्लस 3y इज इक्वल 2 समीकरण, और x प्लस y इज इक्वल 0। ये दो समीकरण है आपके पास, है ना। आपको दो चरों वाले रैखिक युग्म समीकरण दिए गए हैं, इनको हमें प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। अब प्रतिस्थापन विधि से हल करना है तो कैसे करेंगे, यहां पे हम समीकरण एक लेते हैं स्टार्टिंग में, मगर ये वाली यहां पे नहीं ले पाएंगे। क्यों नहीं ले पाएंगे, इसकी वजह है क्योंकि आगे यहां पे कठिन संख्याएं दी गई है और ये ज्यादा सरल है क्योंकि आगे कोई संख्या ही नहीं है एक्स और वाई की। तो दो से शुरुआत करेंगे, है ना, ठीक है ना। अब दो से क्यों करेंगे बता देता हूं। समीकरण दो से क्या होता है कि देखो आप, एक्स प्लस वाई बराबर कितना है, जीरो। एक्स प्लस वाई बराबर कितना, जीरो। तो मैं यहां से एक्स का मान निकालता हूं तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा बताओ, एक्स प्लस वाई इक्वल टू जीरो, तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा, एक्स बराबर कितना हो जाएगा, एक्स बराबर कितना हो जाएगा, एक्स बराबर नहीं, ये धन के वाई है ना, ये धन के वाई उठ के उधर आएंगे, ये उठ के उधर जाएंगे, एक्स को यही रहने दो क्योंकि एक्स का मान निकालना है, तो वाई उठ के उधर गया तो एक्स बराबर कितना हुआ, ऋण का। ये बन गई समीकरण तीन, ये बन गई समीकरण, एक्स का मान कितना है, ऋण वाई, एक्स का मान कितना है, ऋण वाई। अब इस एक्स के मान को जो कि हमने किससे निकाला, दो से निकाला, एक्स का मान किससे निकला, दो से, तो रखेंगे किसमें, अब एक, क्योंकि दो से निकाला है तो एक में रखेंगे, उसी से निकाल के उसी में नहीं रखना, समझेंगे, उसी से पैसे उधार लिए उसी को देती है, वो तो देना उसी को ही है। नहीं, यहां पे ये नहीं जमेगा, यहां पे ये नहीं जमेगा, है ना, ठीक है ना। तो समीकरण दो से निकाला है और एक में रखेंगे, ठीक है ना। चलो, समीकरण एक में एक्स का मान रखने पर, एक्स का मान रखने पर, अब समीकरण एक सेवन, ये एक्स है, एक्स की जगह किसको बिठाएंगे, तो माइनस का है इसलिए कोष्टक, प्लस के बराबर में। अब यहां पे आगे कुछ नहीं तो एक रहता ही है, आगे तो एक रहता है, कुछ नहीं तो आगे एक रहता है, है ना। तो सात एकम सात या 21 और सात दुनी 14, तो सात वाई और 21 वाई कितने हो गए, सात वाई और 21 वाई 28 वाई, वेरी गुड, बराबर में 14। नहीं, कहां गलती करी बताओ, कहां गलती करी मैंने, गलती कर दी ना, तुम बता ही नहीं रहे हो, बोल ही नहीं रहे हो किसने गलती कर रहे हो। सात एकम मगर क्या के, तो फिर और इसका गुणा इसमें थोड़ी होगा। इसका गुणा तो केवल इसमें होगा, सात का गुणा तो इसमें होगा ना, सात एकम सात, तीन के तीन, दो के दो। देखो, मैं जांच करना चाहता था कि तुम ध्यान दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो, तुम भी बताओ कि सर यहां पे आपने गलत कर दिया था, है ना, समझ गए। चलो, अब ऋण के कितने हैं बताओ, सात वाय, और धन के कितने हैं, तो बचाओ कितने बचेंगे बताओ, कितने बचेंगे आपके, ऋण के बचेंगे कितने बचेंगे, चार वाय बचेंगे, बराबर में
ठीक है, बराबर में दो है ना, तो y बराबर कितना हो जाएगा भैया, y बराबर दो बटे ऋण के चार है ना, तो दो एकम दो, दो धुनी तो ऋण का एक बटे दो, क्या उत्तर आ गया, y का मान कितना आया, ऋण का एक बटे दो है ना, ऋण का एक बटे दो। अब y का मान आप यहां रख दो, y का मान यहां रख दो, तो बेटा ये ऋण देखो ऋण का, और y खुद कितना है, y खुद ऋण एक बटे दो, ऋण ऋण कितना हो गया, धन का एक बटे दो, धन का एक बटे दो। इस प्रकार से, इस प्रकार से आप देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं, x बराबर कितना एक बटे दो, y बराबर कितना ऋण एक बटे दो, तो x और y के मान मैंने आपके सामने निकाल के बताए, x का मान तो धन का एक बटे दो आया, y का मान आपके सामने ऋण का एक बटे दो आया। अब उत्तर की जांच करके देखें कि सही है जवाब कि गलत जवाब है, भाई उत्तर की जांच भी कर ले कि हमारा आंसर सही है कि गलत है। तो देखो x और y के मान यहां रखो समीकरण दो में, x कितना बताओ, x एक बटे और y ऋण का एक बटे, धन और ऋण का क्या हुआ गुणा, तो धन और ऋण का गुणा क्या होता है, ऋण होता है, असमान है ना, तो ये क्या हो गया आपका ऋण हो गया, एक बटे दो ऋण एक बटे दो, एक बटे दो में से एक बटे दो घट गया, एक बटे दो में से एक बटे दो घट गया तो जीरो बचा कि नहीं, समीकरण संतुष्ट हुई या नहीं, तो सवाल का आंसर राइट है कि गलत है, सही है ना। इस तरीके से आपको मैंने प्रतिस्थापन विधि का ये सवाल स्पष्ट कर दिया, मालूम पड़ गया ना, प्रतिस्थापन विधि में x और y के मान निकालने की क्या प्रोसेस है ना।